बाल विवाह गैर कानूनी है। सरकार ने इसको लेकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी लागू किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बाल विवाह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला हरदोई जिले का है, जहां बाल विवाह की सूचना पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने 14 साल की बच्ची की शादी रुकवा दी और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्ची को अपने कस्टडी में लेकर बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने की तैयारी में है। पूरा मामला हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों ने 14 साल की बच्ची का विवाह पास के गांव में तय कर दिया। शादी के कार्ड भी बांट दिए गए और गुरुवार यानी 15 जुलाई को बारात आने दी, लेकिन इन सब के बीच किसी शख्स ने दुल्हन के नाबालिग होने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग की शादी को लेकर परिजनों को सख्त हिदायत दी। इस दौरान परिजनों ने चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के साथ काफी अभद्रता भी की, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम थाने पहुंची और दोबारा पुलिस के साथ गांव आई। इस दौरान परिजनों और नाबालिग की काउंसलिंग भी की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने परिजनों को नाबालिग के बालिग होने तक उसकी शादी न करने की सख्त हिदायत दी है। आपको बता दें, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग को अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने की तैयारी में है, जबकि परिजनों की दोबारा से काउंसलिंग की जाएगी और बाल विवाह को लेकर परिजनों को जागरूक किया जाएगा, जिससे दोबारा ऐसी हरकत ना हो। 1098 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक बालिका का बाल विवाह होने वाला है, तो जिसके अनुसार हमने अपनी टीम को भेजा वहाँ पर। तो पहले जब टीम हमारी पहुँची तो मोहल्ले के लोग और उसके परिजन लोग पूरी तरह से दबंगई पर आ गए और जिन्होंने हमारी टीम को वहाँ से वापस कर दिया। टीम दोबारा में पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंची और बालिका से मिले, बालिका की काउंसलिंग की, तो उसमें बालिका की उम्र 14 वर्ष तक लगभग थी, जिसके बाद उनके परिजनों को हिदायत दी कि आप जो है शादी नहीं करेंगे जब तक कि बालिका की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती है। बालिका को चाइल्डलाइन ने अपने सुपुर्द में ले लिया है और इसको बाल कल्याण समिति में पेश करेगी, जिसके बाद उन्हें सख्त हिदायत दी जाएगी कि आप जो है बालिका की शादी 18 वर्ष तक पूर्ण ना जब तक हो जाए तब तक नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।